सुजैन श्वेतंबर मूर्ति पूजक सुसंघ के अध्यक्ष गौतम चंद धारीवाल ने बताया कि पंडित शासन प्रभावक मधुरभाषी खतर गच्छ सहशास्त्री महोत्सव प्रेरक छत्तीसगढ़ श्रृंगार संयम सारथी खरतर गच्छाचार्य श्री जीन पीयूष सागरी सुरेश्वर जी मसा आदि ठाणा 18 का प्रथम बार ध्वज सेना के साथ चौहटा ने नगर में गुरुवार को सुबह नगर प्रवेश हुआ। जैन श्री संघ चौटन के सचिव रतनलाल पारख व हंसराज बोथरा ने बताया कि वर घोड़ा सुबह 9 बजे बाल मंदिर स्कूल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ हुआ। मंगल प्रवेश शोभा यात्रा में बैंड ढोल सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए महिला मंडल एवं बालिका मंडल गहुलिया की पट्टिया एवं पाठशाला के बच्चे पुरुष एवं महिलाओं के साथ रवाना हुआ। महिला मंडल द्वारा स्वागत गीत से गुरुवर श्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत प्रस्तुत किया गया। पूर्व जैन श्री संघ के अध्यक्ष एवं वर्तमान ट्रस्टी हीरा लाल धारीवाल ने बाहर से बधारे हुए मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुनि परम पूज्य सम्यक रतन सागर जी मसा ने प्रवचन में कहा कि संसार में जितने सुख की इच्छा रहेगी उतने ही अधिक से अधिक रिश्तेदार संबंधी मित्र भी परिजन बनाने की हमारी मानसिकता रहेगी। इस अवसर पर अखिल भारतीय खतरगच्छ महिला मंडल वितराग संस्कार वाटिका बिहार सेवा ग्रुप बालिका मंडल ट्रस्टी प्रकाश धारीवाल मदनलाल धारीवाल पीयूष धारीवाल ऋषभ दास बोथरा पर आदि जैन श्री संघ के श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहीं। बाड़मेर अहमदाबाद सांचौर बालातरा मालेगांव सूरत और अनेक शहरों से गुरु भक्त पधारे। श्री संघ द्वारा प्रभावना रखी गई और सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। देखिए आवाज इंडिया से चौटन से हंसराज सिंघवी की खास रिपोर्ट। एकमात्र इकलौती बेटी, उम्र 28 साल हो चुकी है। अनेकों प्रकार के प्रयास करने के बाद, अनेकों प्रकार के मेहनत और पुरुषार्थ करने के बाद जिस व्यक्ति की तलाश है, जिस व्यक्ति से रिश्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। हर क्षेत्र में सफलता पर एक आवश्यक अनिवार्य जो सफलता है और उसमें जो मिलने वाली भी सफलता है वो बार बार न्यायाधीश महोदय को भी हताश उदास और चिंतित और व्यथित कर देती है। रिश्ते अनेक आते हैं, उस रिश्ते को लेकर कभी हाइट को लेकर, कभी वेट को लेकर और कभी एजुकेशन को लेकर बार बार प्रश्न खड़े होते हैं और रिश्ते स्थापित नहीं हो पाते। इस प्रकार से संबंध स्थापित नहीं होने की वजह से न्यायाधीश महोदय ने अनेकों प्रकार की व्यक्तियों की अनेक प्रकार के सुझाव पर, चाहे वो ज्योतिष का सुझाव हो, चाहे वास्तु का सुझाव हो, चाहे तांत्रिक मांत्रिक का सुझाव हो, चाहे अश्विनी भगवती का सुझाव हो, जिसने जो जो सुझाव बताया, उपाय बताया, वो तमाम उपाय के साथ न्यायाधीश महोदय गुजर चुके हैं, पर समस्या का समाधान नहीं मिला। समस्या का समाधान नहीं मिलने पर अब बंधु आपसे पूछा जाए, चाहे वो न्यायाधीश महोदय मिस्टर मफतलाल जी हो या कोई भी संसार का एक व्यक्ति हो जिसके घर परिवार के लड़का लड़की उम्र 28 साल 30 साल 32 साल 25 साल 27 साल यदि हो जाए और शादी के ब्याह के रिश्ते आने पर भी या रिश्ते न आने पर भी वो रिश्ते तय नहीं हो पाए और अपने लड़के लड़की की शादी आदि के रिश्ते संबंध स्थापित न हो पाए, तो आखिर बंधुओं ये सबसे पहले पूछने की बात है कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी क्यों करता है? व्यक्ति सुखी है इसके लिए शादी करता है या व्यक्ति दुखी है इसके लिए शादी करता है?